नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल क्लासरूम विद आदित्य में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, सीटेट के लिए एनसीईआरटी आधारित पर्यावरण के नोट्स की अगली श्रृंखला है, अगली श्रृंखला का वीडियो है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों उसके पहले अगर हमारे चैनल को आपने लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो ऐसा जरूर करें और राइट साइड का बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो अपलोड होने पर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें पहला पॉइंट है कि बच्चे कई वाहनों को वास्तव में किताबों में, फिल्मों में देखते हैं। ये सभी अनुभव बच्चों से चर्चा करने में मदद कर सकते हैं। उनके संदर्भ के अनुसार गतिविधियां करवाई जानी चाहिए जिससे कि सफ़र के दौरान वे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएँ। जैसे कि शहरी क्षेत्रों के बच्चों को सड़क सुरक्षा व यातायात के नियमों से परिचित कराया जा सकता है। देखिए दोस्तों, इसमें ये कह रहा है कि जो वाहनों को बच्चे आसानी से पहचान सकते हैं, वो अलग अलग अपने जीवन के संदर्भों में इसको देखते हैं, किताबों में देखते हैं, पिक्चरों में देखते हैं, ठीक वास्तव में देखते हैं और वो उसे उस पर चर्चा करने में ये सारी चीज़ें, क्योंकि ऑब्जर्वेशन का पार्ट है, मदद कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ में बच्चों से ऐसे संदर्भों में गतिविधियां करवाई जानी चाहिए, मतलब उनके एज के अकॉर्डिंग गतिविधियां करवाई जानी चाहिए कि अगर वो सफ़र कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन के समय वो अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएँ। जैसे अगर थोड़े बड़े बच्चे हैं और शहर में रहते हैं, तो क्लास फिफ्थ तक के बच्चे हैं, सिक्स तक के बच्चे हैं, तो उसमें क्या है, उनको ट्रैफिक रूल के माध्यम से सड़क पर ले जा करके ट्रैफिक पुलिस के साथ में कोऑर्डिनेट करके, ठीक है, उनको बताया सकता है कि क्या करना है, ज़ेब्रा लाइन पर कैसे क्रॉस करते हैं, रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, ठीक है, इस तरीके की चीज़ों को बताना है। ठीक, रेलवे के यातायात रेलवे स्टेशन का ले जाके ऑब्जर्वेशन करवा दीजिए, वहाँ पे किस तरीके से चीज़ें होती हैं, ठीक है, बिना देखे हुए पटरी नहीं क्रॉस करनी चाहिए रेलवे की, अगल बगल देखना चाहिए, ठीक है, गेट बंद हो तो क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है बच्चों को, शहरी क्षेत्र को बच्चे को सिखाई जा सकती हैं। तो ऑब्जर्वेशन के साथ में अगर आप ट्रैफिक रूल्स को समझाएंगे, गाड़ियों को समझाएंगे, ठीक है, किसी सिग्नल का क्या महत्व है इसको बताएंगे, तो बच्चे आसानी से ऑब्जर्वेशन के माध्यम से सीख जाते हैं। यही पॉइंट इसमें कह रहा है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि बड़ों से प्राप्त जानकारी पर आधारित चर्चा बच्चों को वाहनों में आए बदलावों को समझने में सहायता करेगी। ठीक, अगर देखिए पहले पुराने समय में कुछ और तरीके के वाहन होते थे, वो धीरे धीरे डेवलप हुए, डेवलप होने के बाद में आज नए तरीके के वाहन समय के साथ में दिखते हैं और आने वाले समय में ये और भी मॉडिफाई होंगे। ठीक, तो वही कह रहा है कि अगर बच्चों को पुराने वाहनों के बारे में चर्चा करानी है, पहले आदमी बैलगाड़ी से चला करता था, फिर उसके बाद में अब जो है हवाई जहाज पे और हेलीकॉप्टर में उड़ता है, ठीक, इसके साथ साथ में घोड़ों पे चलता था, आज बाइक्स हैं, कार्स हैं, ठीक है, ट्रेन्स हैं, इस पे जाता है, तो पहले क्या चेंजेस आए पहले से अब के समय में। तो अगर बड़े लोगों से, जो पुराने लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनसे अगर बच्चों को बातचीत करने के लिए कहेंगे तो बच्चे उसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है दोस्तों इसमें कि पाठ पढ़ने से पहले यदि बच्चों को ध्यान से चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाए तो उनमें चित्र अवलोकन का कौशल विकसित होगा। देखिए, अगर कोई भी, इसमें टीचर के लिए है एक्चुअली ये, अगर किसी बच्चे को या किसी क्लास को अगर आप कोई नया लेसन स्टार्ट करा रहे हैं तो छोटे बच्चों की किताबों में जनरली पिक्चर्स बनी होती हैं, तो अगर आप देखें कि उस पिक्चर को बच्चे को 5 मिनट या 10 मिनट के अकॉर्डिंग जो है, जैसा भी हो, उसके अकॉर्डिंग आप ऑब्जर्वेशन करने के लिए बोलें, उसको 4-5 मिनट देखने के लिए बोलें, तो उससे होगा क्या कि बच्चे में अवलोकन का कौशल विकसित होगा। जब अवलोकन का कौशल विकसित होगा तो उससे होगा क्या, वो सीधे सीधे लेसन को आसानी से समझ पाएगा चित्रों के माध्यम से, और वो समझ पाएगा कि लेसन क्या जो है वो संदेश दे रहा है, लेसन में क्या बातें हैं, क्योंकि पिक्चर जो है वो उसको आसानी से अगर समझ में आ जाएंगी और उनको देखकर, तो आधे से ज़्यादा लेसन को वो स्वतः ही समझ जाएगा कि ये चीज़ है, और जैसे जैसे आप लेसन बताते जाएंगे तो वो उससे कोरिलेट करता हुआ चलेगा और आसानी से लेसन को ग्रहण कर सकता है। ठीक है, उसको आसानी से समझ सकता है। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, बातचीत के दौरान यह संदेश मिलना आवश्यक है कि सभी काम महत्वपूर्ण हैं, कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता। यदि बच्चों द्वारा बताए गए कामों में जेंडर विषमता यानी कि लिंग भेद दिखाई दे तो उनके कारणों पर चर्चा करना अच्छा रहता है। देखिए, बच्चों को शुरू से सिखाना आवश्यक होता है कि कोई काम छोटा है, बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। ठीक, और अगर कोई काम सिर्फ लड़का कर सकता है, लड़की कर सकती है, इस संदर्भ में अगर कहीं पे कुछ माइंडसेट है बच्चों का, अगर उनके बातों से जेंडर विषमता दिख रही है यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दिख रहा है, लिंग भिन्नता दिख रही है, तो उस पर चर्चा करना बच्चों की भाषा में और सरल तरीके से समझाना आवश्यक होता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों के गलत हैं, इस तरीके की बात इसमें कही गई है। अगला पॉइंट है दोस्तों
कि कहानियों में बच्चे रुचि लेते हैं तथा कहानी के पात्रों के मदद से बच्चों में संवेदनशीलता पैदा की जा सकती है। कोई भी कहानी है, ठीक है, अच्छी जो कहानियाँ होती हैं और उसमें कुछ ना कुछ मैसेज जरूर होता है कि भाई ये करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अगर ऐसा करोगे तो देखो उसके साथ में ऐसा हुआ, ठीक, और गलत काम करने वालों के साथ में अच्छा नहीं होता। इस तरीके की कहानियों के माध्यम से लेसन्स दिए जा सकते हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चों को कहानियाँ सुनने में इंटरेस्ट आता है। जब आप कहानियाँ सुनाएंगे, पोएम सुनाएंगे, देखिए छोटे बच्चों को, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कभी छोटे बच्चों को जो किंडरगार्टन्स होते हैं या छोटे स्कूल्स होते हैं उसमें मोस्ट प्रॉब्ली टेल्स या कहानियाँ ही सुनाते हैं लोग, ठीक है। विदेशों का ये ज़्यादा पैटर्न है, अगर विदेशों के स्कूल का पैटर्न देखें आप लोग तो उसमें इसी तरीके की चीज़ें चलती हैं। जो किंडरगार्टन के बच्चे होते हैं छोटे, उनको दिन भर में कहानियाँ सुनाई जाती हैं, कहानियों के माध्यम से मैसेज दिए जाते हैं। वो पढ़ तो सकते नहीं हैं छोटे बच्चे, ठीक है, तो इतने छोटे बच्चे, तो उनको कहानियों के माध्यम से मैसेज देने की कोशिश की जाती है और कहानी बच्चे इंटरेस्ट के साथ में सुनते हैं। इस कारण से इसमें कहानी को बेस बनाते हुए बच्चों को फाउंडेशन तैयार करने की बात कही गई है। अगला पॉइंट है दोस्तों, स्वयं को किसी और परिस्थिति में देखने में हम उनकी समस्याओं को बेहतर समझ पाते हैं। देखिए अगर किसी की परेशानी को समझना है तो अपने आप को खुद उस की जगह पर रख के देखिए, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर उसकी जगह पर हम होते और मेरे साथ में इस तरीके की चीज़ घटित होती है तो उसमें हमें कैसा फील होता। तो आप किसी की परेशानी को तब समझ सकते हैं जब अपनी स्थिति को वहाँ पे रख के देखते हैं, ठीक है, अपने आप को वहाँ पे रख के देखते हैं, यही पॉइंट कहा जा रहा है और इसी तरीके से बच्चों को समझाना चाहिए। अगला पॉइंट है दोस्तों कि बच्चे ब्रेल लिपि को देखेंगे तो बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ब्रेल लिपि की जानकारी देते समय बच्चों को वास्तविक ब्रेल शीट दिखाना अच्छा रहेगा। देखिए इसमें दोस्तों ब्रेल लिपि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ब्रेल लिपि जो दृष्टिहीन लोग होते हैं, ठीक, उनके लिए इस्तेमाल की जाती है। 6 डॉट्स पर आधारित मोटे कागज पर बने हुए एक स्क्रिप्ट है, ठीक है। लुईस ब्रेल ने इसको बनाया था, फ्रांस के रहने वाले थे, खुद 3 वर्ष की उम्र में जो है वो उनकी आँखें चली गई थी। तो अगर बच्चों को ब्रेल लिपि के संदर्भ में बताना है तो ब्रेल लिपि उनको दिखा दीजिए, यानी कि ऑब्जर्व करवा दीजिए। मैंने बताया एनसीईआरटी का एक काम है वो याद रट्टाफिकेशन पे या याद करने के कॉन्सेप्ट पे थोड़ा कम भरोसा करती है, सिखाने के कॉन्सेप्ट पे और वो सिखाने के आधार पे ऑब्जर्वेशन को बेस बनाते हुए ज़्यादा भरोसा करती है। अगर आप अवलोकन कराएंगे तो अवलोकन जो होता है किसी चीज़ का वो मेमोरी में दीर्घकालीन समय तक बना रहता है, लंबे समय तक बना रहता है। इसके कारण से यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर ब्रेल लिपि आप दिखाते हैं तो बच्चे उसको याद रखेंगे कि भाई ब्रेल लिपि होती है, जो लोग देख नहीं सकते हैं, ब्लाइंड होते हैं, उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, 6 डॉट्स पे बनी होती है, वगैरह वगैरह, ठीक। अगला पॉइंट है दोस्तों 8वां कि रूढ़िबद्ध धारणाओं जैसे लड़का लड़की यानी कि जेंडर विषमता पर चर्चा संवेदनशीलता के साथ में होनी चाहिए ताकि बच्चे उन पर सवाल तो कर सकें और किसी की भावनाओं को ठेस भी ना पहुंचे। तो चर्चा आवश्यक है अगर कहीं पर जेंडर विषमता दिख रही है, लेकिन जेंडर विषमता को दूर कैसे किया जाए, छोटे बच्चों के अनुसार उनको कैसे समझाया जाए, ठीक, कि जैसे एनसीईआरटी में बहुत छोटी छोटी कहानियाँ दी हुई हैं, तो उसमें एक कहानी है कि एक लड़की है, तो उसमें क्या होता है कि लड़की को माँ उसकी जल्दी बुला लेती है घर, तो कहती है कि देखो भाई मेरा खेलता है 7 बजे तक 8 बजे तक, वो माँ उसको कुछ नहीं कहती लेकिन मुझे जैसे सूर्य अस्त होता है उसके पहले ही बुला लेती है, ठीक, घर पर। एक छोटी सी कहानी और दी हुई है, उसमें यह है कि बाबा कहते हैं, उसके दादा कहते हैं कि लड़कों को स्कूल जाना चाहिए, लड़कियों को का काम करना चाहिए। तो ये जो डिफरेंशिएशन है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है समाज में, ठीक, तो ये क्यों है, उस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा ऐसे संवेदनशीलता के साथ में होनी चाहिए कि किसी छोटे बच्चे या बच्ची को की मन की भावना को ठेस भी ना पहुंचे, यहाँ पे यही बात कह रहा है। अगला पॉइंट है दोस्तों, स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मेस्टरल ने 1948 में वेलक्रो बनाया था, यह जूतों व कपड़ों आदि पर लगाई जाती है। देखिए वेलक्रो आप लोगों ने देखा होगा, एक हार्ड पार्ट होता है और एक बहुत ही सॉफ्ट पार्ट होता है कॉटन जैसा, ठीक है, और उसमें उसको चिपकाने में मदद की जाती है। बहुत सारे जो वो छोटे बच्चों के वो आते हैं, शूज आते हैं, उसमें शूज़ में क्या होता है, शूज़ में बिना फीते वाले शूज़ होते हैं, उसको आप एक स्ट्रिप के माध्यम से खोल बंद कर सकते हैं, वो बैग्स में इस तरीके की स्ट्रिप्स लगी रहती हैं, उसी को वेलक्रो कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उस चीज़ के लिए उनके लिए है जो थोड़ा सा ईजली जल्दी काम करना चाहते हैं और उनके पास में समय नहीं है, जो बच्चे बंद नहीं कर सकते, छोटे बच्चे, उनके लिए वेलक्रो वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी जगहों पर वेलक्रो का इस्तेमाल होता है, तो वेलक्रो जो है वो बैग्स में जूतों में इस्तेमाल किया जाता है। वेलक्रो एक स्ट्रिप टाइप की है और जिसमें एक पार्ट सॉफ्ट होता है, एक हार्ड होता है, जिसमें दाने टाइप के निकले रहते हैं और उसको चिपक जाता है, ठीक है। तो आराम से उसको बंद और किया जा सकता है और खोला जा सकता है, तो ये चीज़ वेलक्रो है। तो दोस्तों
दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हमारे वीडियो की नेक्स्ट श्रृंखला में फिर मिलते हैं। तो तब तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।